رمضان, رمضان. 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 بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. रमज़ान मुबारक के लिए बस चंद दिन बाकी रह गए हैं इसमें हमको बहुत सारी बातें सोचना चाहिए एक बात तो ये है कि हज़रत आयशा रजी अल्लाह कहती हैं कि मुझ पर कुछ कज़ा रोज़े रह जाते थे रमज़ान में औरतें की मजबूरियाँ हैं ना पाँच दिन सात दिन छः दिन इस तरह रोज़े बाकी रह जाते हैं अब उनको क़ज़ा कर लेना चाहिए रमज़ान के बाद लेकिन हज़रत आयशा कहती हैं कि मुझे मौक़ा आम तौर पर नहीं मिलता था शाहबान के महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा रोज़े रखा करते थे तो मैं भी गनीमत समझ के रोज़े रख के अपने कज़ा रोज़े पूरे कर लेती थी लिहाजा जिन औरतों के रोज़े बाकी रह गए उनको चाहिए कि शाहबान का महीना है तो वो रोज़े रख कर वो पूरे कर लें ताकि रमज़ान जब आए तो उन पर कजा ना रहे वरना रमज़ान आ गया तो फिर वो रोज़े कजा नहीं कर सकते रमज़ान के बाद अगर वो रोज़े कजा करें तो फिदिया भी देना और साहब को रोज़ा भी कज़ा करना ऐसे कुछ जो सहाबा का ख़याल था तो ये तो ये कि साहब शाहबान में जो कज़ा रोज़े हैं उनको पूरे कर लेना चाहिए औरतें हों के मर्द हों मर्द भी बीमारी की वजह से सफ़र की वजह से रोज़े छोड़ देते हैं ना वो शाहबान तक अल्लाह ने मौक़ा दिया रमज़ान तक मौक़ा दिया कि साहब तुम ये रोज़े पूरे कर लो तो लिहाजा इसका ख़याल करना चाहिए अल्लाह के प्यार रसूल सल्ला वसम शाबान की तारीख का बड़ा ख्याल करते थे एक एक दिन गिनते थे शाबान एक हुआ दो हुआ तीन हुआ ताकि रमज़ान का चांद देख सकें हर महीना अल्लाह के रसूल तैयारी करते थे लेकिन ख़ास कर शाबान के महीने को एक एक दिन का हिसाब करके कि साहब चांद देखो चलो चाँद देखने की कोशिश करते थे लिहाजा चाँद नज़र आ गया उनतीस दिन के बाद तो रमज़ान शुरू अगर चांद नहीं नज़र आया बदली भी है या कुछ भी है तो तीस दिन पूरे करके शुरू करना चाहिए रमज़ान का महीना हज़रतूर रज़ी अल्लाह कहते हैं कि नबी करीम वसल्लम ने रमज़ान से एक दो दिन पहले रोज़ा रखने से मना फरमाया है क्या मतलब मतलब यह कि बाज़ लोग ऐसा ख्याल करते हैं कि साहब चाँद नहीं नज़र आया चांद हो गया होगा हमको नहीं नज़र आया होगा इसलिए हम क्यों ना रोज़ा रख लें रोज़ा रख लेते हैं बाज़ लोग तो ऐसे हैं कि सब रोज़ा रख के नयत करते हैं। अगर चांद नज़र आ गया है तो ये रमज़ान का रोज़ा है और अगर चांद नहीं नज़र आए तो ये शाबान का रोज़ा है ऐसा रखते हैं कुछ सहाबा के मतलब भी ऐसा आया जैसे अब्दुल्ल् बिन उमर रज़ील तुम वगर के मतलक कि साहब वो ऐसे करते थे लेकिन हमको तो अल्लाह के रसूल वसल्लम की बातों पर अमल करना चाहिए ना लिहाजा चांद नहीं नज़र आए तो शाबान की तीस पूरी करो तो अगला पेश कदमी का रोज़ा नहीं रखना चाहिए रमज़ान से एक दिन दो दिन पहले रोज़ा रख के रमजान का इस्तबाल करें ऐरीत में इसकी इजाज़त नहीं है अल्लाह के रसूल सल्ला वम ने मना फरमाया हजरत अब करते हैं मनसा मल्यो उशकुफ़ी ही फ़क्त आशा अब अकसिमी सल्ला व्लम जो आदमी के शक के दिन का रोज़ा रखता है चांद नज़र आया नहीं नज़र आया शक हो गया ना लेकिन रोज़ा रखता है तो कहा ये तो अल्लाह के रसूल का नाफ़रमान है तो आपने अंदाज़ा किया कि साहब इक्राम अल्लाह के रसूल की बातों का एहतराम करते थे और उस पर अमल करते थे लेकिन कुछ साहब एहतियातन ऐसा करते थे वह हमारे लिए दलील नहीं बन सकते उनके काम को रखकर हम भी एक दो दिन पहले रोज़ा रखें ऐसे जायज़ नहीं हाँ अगर किसी के कज़ा रोज़े बाकी रह गए हैं वो रखेंगे आखिर तक चाँद नज़र आने तक रखेंगे उसी तरह कोई आदमी पीर पीर को जुमरात जुमरात को रोज़ा रखता है तो उसके लिए भी इजाज़त है कि साहब अगर पीर रमज़ान से एक दिन पहले पीर पड़ता है पीर का रोज़ा रखेगा इसलिए कि उसकी आदत है ना लेकिन एहतियात का रोज़ा पेश कदमी का रोज़ा एहतियात का रोज़ा रखने से अल्लाह के रसुल्लम ने मना फरमाया है लिहाजा शाबान के महीने के अंदर इस बात का भी ख्याल करना चाहिए कि पूरी तरह इतला मिल जाए चांद की जब चल कर हमको रोज़ा शुरू करना चाहिए रोज़े की नीयत करनी चाहिए ऐसी नीयत नहीं करनी चाहिए तो शाहबान मुबारक जिन पूरे हो रहे हैं ख़त्म हो रहे हैं लिहाजा इंसान को चाहिए कि शाबान के, के महीने की जितनी बातें हैं उनको पूरी कर ले हमारे प्यारे नबी ये भी फरमाते हैं कि साहब शाबान के, के पंद्रह तक नफिल रोज़े रखो रखना चाहते हो तो रखो शाबान का पंद्रह हो जाने के बाद अब नफिल रोज़े ना रखो इसलिए कि अब तैयारी करनी है रमजान की रोज़ा रख रख के शाबान के कमज़ोर हो गए तो रमज़ान के रोज़े कैसे रखेंगे मना फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान में ज़्यादा रोज़ा रखने से हाँ कोई आदमी ऐसा है कि उसको ताकत है क़वत है आदत है रोज़ा रखता है उसके बाद दूसरी है कमज़ोरी के वजह से अल्लाह के प्यारे रसूल सल्ला वम ने मना फरमाया इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्ला वम ज़्यादा रोज़े रखते थे ऐसे मालूम होता है कि रमजान शाहबान के पच्चीस छब्बीस इतने रोज़े रखते थे ऐसे मालूम होता है इसलिए कि साहबी याद कहती हैं अजवाज मतहराद करती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में इतने रोज़े रखते हैं हम समझते हैं अब एक रोज़ा भी नहीं छोड़ेंगे लेकिन दो चार रोज़े छोड़ देते इसका मतलब यह कि बीस पच्चीस रोज़े अल्लाह के रसूल सल्ला वम शाबान के रखते थे इसलिए कि आपको ताकत थी ख़ुव थी और कमज़ोरी नहीं होती थी रमज़ान में और भी आप ताज़े हो जाते थे लेकिन हम लोगों के लिए हुकुम है कि रमज़ान के पंद्रह शाबन के पंद्रह होने के बाद रफील रोज़ा नहीं रखना चाहिए इसका भी ख़्याल करना चाहिए कि आदमी कमज़ोर ना हो जाए रमज़ान के लिए ये भी एक तैयारी है कि साहब ऐसी चीज़ें जो बदन को जिसम को कमज़ोर करने वाली हैं उनसे भी आदमी बचे तो बहरहाल शाबान का यह बहुत तो मुबारक महीना है इसका भी ख्याल करना चाहिए कि साहब ये रमज़ान की इबादतों को लाने वाला महीना है लिहाजा रमज़ान की क़दर के साथ शाबान की भी कदर हो गई कि इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा से ज़्यादा शाबान में रोज़े रखते थे वैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि साहब नफिल रोज़े के लिए बेहतरीन महीना कौन सा है तो आपने फिर मारा मुहरम का महीना मुहर्रम के महीने में आदमी नफिल रोज़ा रखता है तो उसको सवाब मिलता है लेकिन हम देखते हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर्रम के महीने में ज़्यादा रोज़े नहीं रखे बल्कि शाबान के महीने में ज़्यादा रोज़े रखे फजीलत तो यकीनन मुहर्रम के महीने की है लेकिन शाबान चूँकि रमज़ान की खुशखबरी लाने वाला है वो ख़ुशी बहुत दूर से अल्लाह के प्यारे रसूल महसूस करते कि रमज़ान के लिए रोज़े रखते के शाबान ही में रोज़े शुरू कर देते ये ख़ुशी की एक दूसरी कैफियत थी तो लिहाजा शाबान के अंदर आदमी को चाहिए कि सब हर तरह से रमज़ान के लिए तैयारी करें तो हमको भी चाहिए कि सब रमज़ान के लिए तैयारी करने के लिए हम शाबान के महीने को गनी मत जाने और जैसा कि मैंने कहा कि साहब अचानक कुत पड़ते हैं मैदान में तो ज़रा कामयाबी नहीं होती है उसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि शाबान का महीना आया ना अभी से ज़रा कोशिश करके देख लो कितना टाइम हम क़ुरान पढ़ सकते हैं कितना टाइम चूल्हे के पास औरतें रह सकती हैं कितना टाइम हम बिज़नेस के अंदर कम कर सकते हैं इसका भी ख़्याल करना चाहिए क्योंकि रमज़ान जो इबादत का महीना है ठीक है कारोबार तो है और देखा यह जाता है कि कारोबार रमज़ान में ज़्यादा होता है तो आदमी जो है दूसरे दिनों में इबादत के लिए कुछ ज़्यादा वक्त भी देता है तो रमज़ान में वक्त कम दे पाता है इसलिए आदमी को चाहिए कि अभी से सोचे भैया हमको इतने घंटे दुकान खोलनी है इतने घंटे के बाद दुकान बंद कर देनी है पूरा ग्यारह महीना दुनिया कमाने के लिए था अब एक महीना रमज़ान का आखिरत कमाने के लिए है ये भी कमाई है वो भी कमाई है ग्यारह महीने आप कमाए दुनिया कमाए अब क्या कमाना है रमज़ान में आखिरत कमानी है सवाब कमाना है ना इसलिए उसका ख्याल करना चाहिए तो शाबान के अंदर ज़रा तैयारी करके देख लें कि साहब कितना हम कुरान पढ़ सकते हैं शुरू कर दिया अभी रमज़ान शुरू नहीं हुआ लेकिन रमज़ान की इबादतों की तरह शाबान के आखिरी दिनों में इबादतें शुरू कर दिया ताकि वो थक ना सके और अचानक मैदान में कूदने से आज तरावी भी पढ़ना है तिलावत भी करना है रोज़ा भी रखना है ऐसे सब आ जाता है ना तो आपसे एक दो चीज़ें उनसे शुरू कर दी कभी नफिल रोज़े भी रखा बारह तेरह 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 तारीख को फिर उसका कुरान भी पढ़ के देख लिया ये सब करके रमज़ान में दाखिल होता है तो प्लानिंग करके वो कामयाब होता है लिहाजा शाबान के महीने के मतलब हदीसों के अंदर जो बातें आई मुख्तर इतना ही है कि औरतों पर या मर्दों पर खज़ा रोज़े हैं तो शाबान के महीने में रमज़ान शुरू होने से पहले उनको पूरा कर लेना चाहिए दूसरी बात ये भी मालूम हुई कि साहब राम शाहबान के पंद्रह के बाद नफिल रोज़े नहीं रखना चाहिए तीसरी बात ये मालूम हुई कि साहब शाबान के आखिरी दिन अगर चांद नहीं नजर आया उनतीस को चाँद नहीं नज़र आया तो एक दिन का शक करके हो सकता है चाँद नज़र आ गया हो रोज़ा रखना मना है लिहाजा इसका भी ख़्याल करना चाहिए अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम की बातें हमारी ज़िंदगी में रहनुमाई देती हैं हमको चाहिए कि सब इन सारी बातों का ख्याल करें तो रमज़ान के पेश कदमी का रोज़ा एक दो दिन पहले रखने से अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया मैंने ये भी कहा आपसे कि सब कुछ सहाबा यकीनन रखते थे हम आलू महता हज़रत अब्दुल्ल बिन उमर भी ऐसे करते थे शाबान के उनतीस दिन पूरे होते तो अपने बच्चों को भेजते बच्चे होंगे नवासे पोते होंगे जाओ जी सब चांद देखो इसलिए हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कमज़ोर थे ना उम्र हो गई थी ज़्यादा जाओ जी चांद देखो सब बच्चे जाके चांद देखते पूछते क्या हुआ जी बदली एकदम साफ़ है चांद नहीं नज़र आया का जब तो शाबान तीस पूरा करना अगर आकर बच्चे कहें बदली बहुत है नहीं नज़र आता कुछ भी तो हज़रत अब्दुल्ल बिन उमर समझते कि हो सकता है चांद निकल गया हो नज़र ना आया हो इसलिए एहतियात का रोज़ा रख लेते रमज़ान का रोज़ा समझ के रख लेते ये साहब ये का फ़ेल हुआ मैंने कहा हमको तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेल और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अमल करना है लिहाजा पेश क़दमी का रोज़ा मैंने बार बार कहा कि साहब ये पेश़ क़दमी का रोज़ा नहीं रखना चाहिए शाबान का महीना बस ख़त्म होने के लिए आ रहा है इसलिए हमको चाहिए कि रमज़ान के तल्लु से सोचें और रमज़ान की तैयारी करें और पहले से जब आदमी तैयारी कर लेता है तो किसी काम को करना आसान हो जाता है अल्लाह इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला रमज़ान की पूरी रहमतों से बरकतों से और सादतों से और मग़फ़िरतों से हमको नवाजें ताकि हमारी गर्दनें जहन्नम से आज़ाद हो जाएँ अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि जो मुसलमान हैं दुनिया में रमज़ान का महीना आ रहा है अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि वो भी रमज़ान का हक़ अदा कर सकें और रमजान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें कर सकें और जैसा कि अल्लाह के प्यारे रसूल ने कि फ़रिश्ता नाजिल होकर दुआ करता है अय करने वाले यादती करने वाले अब छोड़ दे हम भी यही दुआ करेंगे अपने भाइयों के लिए अय अल्लाह ताला जो लोग के जालिम हैं सरकश हैं नाफ़रमान हैं अल्लाह उनके दिलों को बदल दे उनकी इबादतों की तौफीक तो नसीब फरमा इसका ख़्याल करना चाहिए हमने देखा है या सुना है समझिए कि शाबान का महीना ख़त्म होते होते लोग टी वी को काला कपड़ा पहना देते हैं कि साहब अब रमज़ान आ गया अब टी वी वगैरह नहीं देखना है और जो ही रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ और सब ईद का चाँद नज़र आया तो पहले उसी काले कपड़े को हटाते हैं कि सब अब टी देखने के दिन आ गए ये अल्लाह को धोखा देना नहीं है क्या ख़ास दिनों में अल्लाह की इबादत कर लिया फिर उसके बाद वो दिन चला गया अब फिर शैतान के बंदे बन जाएंगे रमज़ान में तो आप बंदे थे रहमान के अब रमज़ान जाने के बाद शैतान के बंदे बन जाएंगे दिलों को साफ़ करो दिलों के अंदर अल्लाह का डर पैदा करो आटोमेटिक गुनाह के काम से आप दूर हो जाएंगे गुनाह छोड़ देंगे और गुनाह की ज़िंदगी से तोबा कर लेंगे यह सब अल्लाह को ठगाने वाली बात समझता हूँ कि रमज़ान के महीने में गुनाहों से दूर रहे और उसके बाद फिर गुनाह करना शुरू कर दिया ऐसे नहीं होना चाहिए इसका भी ख्याल करना चाहिए तो लिहाजा आदमी को चाहिए कि देखी की तरफ आगे बढ़े तो अल्लाह ताला उसको रास्ता बताता है आसानियाँ पैदा करता है नेकी के रास्ते में चलने लगता है और जो बुराई के रास्ते में चलने लगता है तो अल्लाह उसको भी ढील दे देता है जा कितनी दूर जाएगा कहाँ तक जाएगा और आखिर में उसको ऐसे पकड़ता है अल्लाह ताला फिर उसका छूटने का नाम वशाम नहीं उसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता है लिहाजा इबादतों के लिए हमारे दिलों के अंदर शौक़ होना चाहिए इबादतों के महीने के हमको क़दर करना चाहिए रमज़ान मुबारक की क़दर करना चाहिए उसके लिए हम भी तैयार रहें बच्चों को भी तैयार करें बच्चों के दिलों के अंदर भी शौक़ पैदा करें और बच्चों को भी बताते रहें अब आने वाला महीना है ना ये रमज़ान का महीना है लिहाजा इसमें रोज़े रखते हैं अल्लाह को राज़ी करते हैं शैतान के वसव से हमारे दिलों में कम हो जाते हैं बच्चों से भी रमज़ान की अहमियत को बयान करें रमज़ान की फजीलत को बयान करें ताकि सुनकर बच्चों के दिलों में भी रमज़ान का एहतराम पैदा हो रोज़ा रखने का शौक़ पैदा हो बच्चे भी अगर रोज़ा रखते हैं तो जायज़ है अल्लाह के उनके रोज़ा कबूल होते हैं लेकिन उनका स्वब माँ बाप को मिलता है लिहाजा रमज़ान आपके लिए आया है तो आपके घर वालों के लिए भी आया है बच्चों को बैठा कर रमज़ान की कदर कराना चाहिए उसी तरह तिलावत के लिए भी बच्चों को तैयार करना चाहिए कि रमज़ान में कुरान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है तो अभी से पढ़ने लगो ताकि रमज़ान आता है तो रमज़ान से रमज़ान में कुरान ज़्यादा पढ़ सको लिहाजा बच्चों को भी तैयारी करना उसी तरह बहुत सारे लोग माशा रमज़ान से पहले के आ, कुछ प्रोग्राम करते हैं इस्तबाल रमज़ान के ताल्लुक से उसके अंदर रमज़ान की अहमियत और रमज़ान के फजीलत और रोज़े का सवाब ये सब बयान करते हुए उसी तरह अकाम भी बयान करते हैं कि रमज़ान के महीने में कौन सा काम करना जायज़ है और कौन सा काम करना नाजायज़ है रोज़ा कब बातिल टूट जाता है और रोज़ा किन हालतों में बाकी रहता है क्या क्या सब मसाइल होते हैं वो सब बयान करते हैं यह भी एक अच्छा तरीक़ा है लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि लोग तोहतमाम करते हैं इन प्रोग्रामों का लेकिन शरीक होने वाले बहुत कम रहते हैं यह अफसोस की बात है कि कोई आदमी व्यापार नहीं छोड़ना चाहता दुनिया की कमाई नहीं छोड़ना चाहिए था और दावतें नहीं छोड़ना चाहता है, जिन लोगों से ताल्लुक़ उसके उसको नहीं छोड़ना चाहता है और चाहता है कि मुफ्त में उसका सवाब भी मिल जाए ये कैसे हो सकता है जब तक थोड़ी कुर्बानी नहीं दोगे उस वक्त तक हमारी इबादतें कहाँ कबूल होंगी उस वक्त हमको दीन कहाँ से आएगा अल्लाह ताला ने तरमाए तो सर आलम नश्रा के अंदर इन्मा उस्री युसरा तकलीफ़ बर्दाश्त करोगे तो फिर बाद आसानियाँ पैदा होंगी लिहाजा इसका भी आदमी को ख़्याल करना चाहिए कि सब ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जो है अल्लाह की तरफ रागी हो राग़ब हो दीन का शौक़ उसके दिल के अंदर पैदा हो ताकि दीन की बातों की अहमियत भी आए और इबादत का हक़ अदा कर सके तो शाबान के मुतल ये तीन बातें हमने बताईं परसों भी कल भी और आज भी लिहाजा इसके बाद रमज़ान की बातें बताने की कोशिश करेंगे अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताली इस महीने को जो शाबान का महीना है हर खैर खे, खो, ख़ूबी के साथ अल्लाह गुजारे और अल्लाह ताला रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने और अजला का अल्लाह ताली काजर षवाब हासिल करने की सारे मुसलमान मर्दों को भी औरतों को भी अल्लाह तोफ़ी दें उसी तरह लड़ाई झगड़े आपस में जो कुछ हमारे इख्तलाफा हों वो सब भी ख़त्म कर लेना चाहिए यह भी एक रमज़ान की तैयारी है कि साफ शाहबान का महीना आया पहले आपको अपने लड़ाई झगड़े सब ख़त्म कर लेना चाहिए लेकिन अब तो रमजान का एहतराम करो भाई मुझसे उन फला की दुश्मनी है बोल चाल बंद है आना जाना बंद है भाई रमजान का महीना आता है अब हम एक दूसरे को माफ़ कर दें एक दूसरे के पास जाएं एक दूसरे से मिलें इस तरह जो आदमी अपने दिल को भी पाक कर ले लोगों के हसस से दुश्मनी से और बहुत सारी बातों से ये सब रमज़ान की तैयारी हैं तो रमज़ान की तैयारी आदमी शाबान में करता है किसी भी तरह की तैयारी हो जायज़ हद तक जितनी तैयारियां हैं वो सब इंसान कर लेता है तो रमज़ान में इबादत के लिए फारि हो जाता है अल्लाह ताला आने वाले रमज़ान को हम सारे लोगों के लिए खैर व बरकत का ज़रिया बनाए वाखिर उदावान रबीआलमिन